Hello students, I welcome you all in this e-lecture on the topic the chemistry of the elements of first transition series. So in the previous lecture we went through the magnetic properties of these transition elements and हमने देखा था कि डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वह पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं. एक आयन परमाणु में जितने अधिक अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें उतना ही पैरामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी विल बी एग्जिबिटेड. जैसा कि हमने देखा था कि मैंगनीज प्लस टू आयन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वह 3d ऑर्बिटल्स में उपस्थित 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के अनुरूप ही होता है. तो जिन आयनों में सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं उनमें डायमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी पाई जाएगी क्योंकि इनमें सभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट को नष्ट कर देते हैं तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है दैट विल बी ज़ीरो. जैसा कि वी फाउंड इन द केस ऑफ स्कैंडियम प्लस 3, टाइटेनियम प्लस 4, कॉपर प्लस एंड जिंक प्लस 2 विच वर हैविंग डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़. ठीक है, तो this is how we saw that number of unpaired electrons in the d orbital decides the magnetic properties of these elements. Now today we are going to discuss the magnetic moment of these elements. Magnetic moment of the first two transition series is given by the formula shown here, that is mu s plus l is equal to under root of 4s s plus 1 and plus l plus 1, where s is the sum of the spin quantum numbers and l is the sum of the orbital angular momentum quantum numbers. The magnetic moments of most of the metals in first transition series are given by the spin value only, that is the orbital contribution to the magnetic moment is effectively quenched. So by taking l 0, जब ऑर्बिटल कॉन्ट्रीब्यूशन को हम जीरो ले रहे हैं तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट विल बी गिवन बाय द इक्वेशन म्यू एस इज इक्वल टू अंडर रूट 4s s प्लस 1. यहाँ पे s क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर जिसकी वैल्यू है हाफ, है ना, एंड n इज़ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो म्यू एस विल बी अंडर रूट ऑफ 4s n s n प्लस 1 विद इन द ब्रैकेट्स. सो अल्टीमेटली वी गेट द वैल्यू अंडर रूट n n प्लस 2. ठीक है, तो दिस इज़ द फाइनल फॉर्मूला. तो इन द गिवन टेबल हियर यू कैन सी द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड द कैलकुलेटेड स्पिन मोमेंट इन बोर मैग्नेटॉन. तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है ज़ीरो है तो ज़ीरो स्पिन मोमेंट है, है एक के लिए 1.73 है एंड इट गोज ऑन इंक्रीजिंग. व्हेन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिकम्स 7 इट इज़ फाउंड टू बी 7.84 बोर मैग्नेटॉन. ठीक है, नाउ वी सी हियर द टेबल वेर इन द वी नो दैट इन द आयन्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स द 3D शेल्स इट कंटेन्स 5 ऑर्बिटल. तो जैसे जैसे व्हेन वी पास फ्रॉम वेनेडियम टू कॉपर द फर्स्ट 5 इलेक्ट्रॉन एंटर 1 इनटू ईच ऑफ दीज 5 ऑर्बिटल्स टू प्रोड्यूस सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल. एक एक करके भरते जाते हैं. ठीक है, अबव 5, 5 से ऊपर आते ही द एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स दे गो इनटू ऑर्बिटल्स ऑलरेडी कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है विद अपोजिट स्पिन्स. तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स राइजेस टू 5 एंड फॉल्स टू 0 एज द 3D शेल इज कम्प्लीटेड. तो इस टेबल में जो है यू कैन सी यू हैव आयन्स एंड द नंबर ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन्स एंड शोन आर हियर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. सो अकॉर्डिंगली द कैलकुलेटेड एंड द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स दे हैव बीन शोन हियर. ठीक है, तो देखिए लास्ट में जब कॉपर एंड जिंक कॉपर प्लस एंड जिंक प्लस 2 आयन्स वेयर यू हैव नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 तो मैग्नेटिक मोमेंट कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट इज फाउंड टू बी 0.
तो इस तरह से हमने पाया कि सारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरा मैग्नेटिक, ठीक है ना। तो नाउ वी कम टू द एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक स्टडीज़। तो जो है ये फर्स्ट तो यही है कि मैग्नेटिक डाटा जो है इट कैन गिव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हमने टेबल में पाया था। तो इससे द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इन द मॉलिक्यूल बिकम्स नोन, ठीक है ना। तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट का पता लग जाता है। नाउ कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स एंड द सॉल्यूशन इज फर्दर एक्सप्लेन, ठीक है ना। इनके विलयनों का कलर भी हम इसकी सहायता से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसा कि हमने पाया था कि Cu+2 आयन इज कलर्ड, जबकि Cu+ आयन इज कलरलेस। तो दैट इज बेसिस ऑन द नंबर ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन इन दैम। मैग्नेटिक डाटा कैन ऑल्सो हेल्प इन डिस्टिंग्विशिंग फ्रॉम बिटवीन द आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग, ओके। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन असाइनिंग ज्योमेट्रिकल शेप, जैसे टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर पिलर है, तो उससे ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के शेप का पता लग जाता है। नाउ वी कम टू द कलर ऑफ दीज ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स। देखिए, आपको पता है ही कि जो भी नॉबल गैसेस और स्यूडो नॉबल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन वाले सॉल्यूशन, आयनों के सॉल्यूशन होते हैं, वो कलरलेस होते हैं, और जबकि इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल हैं वो ज़्यादातर जो है रंगीन पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स कि दैट डायमैग्नेटिक आयन्स दे आर कलरलेस एंड पैरामैग्नेटिक आयन्स जो हैं दे आर फाउंड टू बी कलर्ड। तो हाउ वी कैन एक्सप्लेन दैम, देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स दे आर इधर आयनिक और कोवेलेंट, दे आर कलर्ड। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट जो है इट मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम द एस ब्लॉक एलिमेंट्स विच आर फाउंड टू बी कलरलेस। तो व्हेन अ वाइट लाइट विच हैज़ कलर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स इंटरैक्ट्स विद द सब्सटेंस, अ पार्ट ऑफ इट इज एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस, एंड इफ द एब्जॉर्प्शन अकर्स इन द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम द ट्रांसमिटेड लाइट इज कलर्ड विद द कॉम्प्लीमेंट्री कलर टू द कलर ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है ना। ये हम पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से विजिबल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके दूसरे एनर्जी लेवल में जब एक्साइटेड हो जाते हैं तो हमें पता है कि पदार्थ रंगीन दिखाई देता है। तो एज वी नो दैट जो डायमैग्नेटिक आयन है उसमें तो सारे डी ऑर्बिटल्स पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, है ना। तो जो खाली ऑर्बिटल हैं इन कक्षकों से इतनी अधिक दूरी पर स्थित होते हैं कि भरे हुए डी ऑर्बिटल से खाली ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र जो है वो बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है ना। तो वो ज़्यादा मतलब हाई एनर्जी की विकिरणों से ही, के अवशेषण से ही संभव हो पाएगा। तो इसीलिए ऐसे आयन जो हैं वो कलरलेस दिखाई देते हैं। तो D0 और D10 विन्यास वाले आयन जो हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं और कलरलेस होते हैं। अब आपको पता है ही कि एक ट्रांजिशन मेटल आयन या एटम में जो पांचों डी ऑर्बिटल हैं वो समान ऊर्जा के होते हैं। तो जब इनके कंपाउंड्स बनते हैं तो क्या होता है कि डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो अलग अलग ऊर्जा के समूहों में विभाजित हो जाते हैं, Eg(NT)2g, है ना। सपोज जैसे अपन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर को जो है इमेजिन करें, तो इसमें धातु की जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो दो समूह में विभाजित हो जाएंगे। एक तो लोअर एनर्जी लेवल के समूह 3d ऑर्बिटल्स जो T2g के द्वारा हम जिनको एग्जिबिट करते हैं, और हायर एनर्जी लेवल के जो 2d का ऑर्बिटल्स हैं Eg के द्वारा हम उनको शो करते हैं सी ऑन द स्क्रीन। तो इन दोनों प्रकार के डी ऑर्बिटल्स में जो एनर्जी जो का जो डिफरेंस होता है डेल्टा, वो ज़्यादातर इतना ही होता है कि प्रकाश के दृश्य क्षेत्र से जो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर डी ऑर्बिटल से हायर डी ऑर्बिटल्स में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार जो ट्रांजिशन मेटल आयन्स का कलर दिखाई देना है वो इस डी डी ट्रांजिशन के कारण संभव हो पा रहा है। तो
स्पष्ट है कि किसी भी आयन में जितने भी अधिक डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे उतना ही गहरा उनके सॉल्यूशंस का कलर होगा, ठीक है ना। तो और देखिए D5 विन्यास वाले जो आयन होते हैं वो अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होने के कारण DD एब्जॉर्प्शन का विरोध करते हैं, और इसीलिए इस कॉन्फ़िगरेशन वाले आयन जो हैं जैसे कि मैंगनीज +2, आयरन +3, दे आर लाइटली कलर्ड, ठीक है ना। तो दिस इज़ हाउ द कलर इन दिस ट्रांजिशन मेटल आयन्स इज एक्सप्लेन्ड। देखिए स्क्रीन पे, तो द कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इज एसोसिएटेड विद एन इनकम्प्लीट डी शेल एंड द नेचर ऑफ द सराउंडिंग ग्रुप्स अराउंड दैट मेटल आयन, ठीक है। तो ये हमने एक्सप्लेन कर ही दिया है। तो अब देखिए, एक तो है कि द कलर ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इज डिपेंडेंट ऑन हाउ मच एनर्जी डिफरेंस इन बिटवीन द टू डी लेवल्स, Eg एंड T2g ग्रुप्स के बीच में कितना एनर्जी डिफरेंस है। दिस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लिगेंड्स एक्चुअली एंड द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड। फॉर एग्जाम्पल, जो निकिल का हेक्सामिन निकिल 2+ है वो ब्लू है, जबकि हेक्सा एक्वो निकिल +2 ग्रीन है, और हेक्सा नाइट्राइटो निकलेट जो आयन है दैट इज फाउंड टू बी रेड। तो दिस टेबल ऑन द स्क्रीन इट शोज द कलर ऑफ हाइड्रेटेड आयन ऑफ सम ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो यू कैन सी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन्स दे आर शोइंग द कलर्स। तो द कलर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयन इट डिपेंड्स ऑन द लिगेंड एंड द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। हियर ओके, इन सम कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे आर फाउंड टू बी वाइट। फॉर एग्जाम्पल, TiO2 है, जिंक सल्फेट है, तो ड्यू टू द एम्प्टी और 3d10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर टाइटेनियम +4 एंड जिंक +2 इन दीज कॉम्प्लेक्सेस, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रमोट द इलेक्ट्रॉन इन दीज कंपाउंड्स। देयरफॉर स्कैंडियम +3 है, टाइटेनियम +4, वैनेडियम +5, क्रोमियम +6, मैंगनीज +7, दे हैव एम्प्टी डी शेल्स, तो DD एस्पेक्ट्स आर नॉट पॉसिबल, DD ट्रांजिशन पॉसिबल ही नहीं है, तो दस दे शुड बी कलरलेस। हाउएवर देखिए, एज द ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज दीज स्टेट्स दे बिकम इंक्रीजिंगली कोवेलेंट, ओके, रादर देन फॉर्मिंग हाईली चार्ज सिंपल आयन ऑक्सी आयन्स आर फॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, VO2+ एंड Cr4O2-, ठीक है, MnO4-, VO4- जो है दे आर ऑल्सो फॉर्म्ड। VO2+ जो है वो पेल येलो है, जबकि Cr4O2- है वो है स्ट्रॉन्गली कलर्ड येलो कलर्ड कंपाउंड है, और MnO4- पोटेशियम परमैंगनेट जिसको हम जानते हैं, तो उसमें तो जीरो इलेक्ट्रॉन है, बट इट हैज़ एन इंटेंस पर्पल कलर इन सॉल्यूशन। सो दिस कलर अराइजेज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। तो हम ये मान सकते हैं कि ट्रांजिशन मेटल आयन्स में कलर दो तरह से हो सकते हैं, एक तो ड्यू टू DD ट्रांजिशन एंड द सेकेंड वन इज ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। तो जैसे MnO4 में एन इलेक्ट्रॉन इज मोमेंटरली ट्रांसफर्ड फ्रॉम ऑक्सीजन टू द मेटल, दस चेंजिंग मोमेंटरली चेंजिंग टू Mn6+। चार्ज ट्रांसफर जो है इट रिक्वायर्स दैट द एनर्जी लेवल ऑन दी टू डिफरेंट एटम्स आर फेयरली क्लोज, सो दिस चार्ज ट्रांसफर प्रोड्यूसेस इंटेंस कलर, ठीक है ना। तो जो है देखिए, मैं आपको कहूँ कि जैसे आपका है कि टाइटेनियम +4 है ना, टाइटेनियम के +4 के कॉम्प्लेक्सेस सारे कलरलेस होंगे, लेकिन वैनेडियम +5 से मैंगनीज +7 तक के जो कैटायन्स हैं उस पे चार्ज बढ़ता जा रहा है ना। जैसे टाइटेनियम +4 है, वैनेडियम +5, क्रोमियम +6 एंड मैंगनीज +7, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया करस्पॉन्डिंगली। टाइटेनियम +4 के लिए D0 है, ठीक है, तो
अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या भी जीरो है, कलरलेस होगा इसकी कॉम्प्लेक्स। वेरिडियम प्लस फाइव में डी जीरो कॉन्फिग्रेशन है और जो अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो भी जीरो है, लेकिन ये नारंगी पीला होता है। क्रोमियम प्लस सिक्स में डी जीरो अगेन कॉन्फिग्रेशन डी जीरो ही है, ऑफकोर्स जो है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, बट इट इज़ फाउंड टू बी ऑरेंज। एंड आपको मैंने बताया ही था कि पोटेशियम परमैंगनेट में जो है डी जीरो कॉन्फिग्रेशन है, लेकिन यह गहरे बैंगनी कलर का होता है। तो फाइनली व्हाट वी ऑब्जर्व इज दैट कि किसी भी ट्रांजिशन मेटल आयन की कॉम्प्लेक्स में डीडी ट्रांजिशन और डीडी संक्रमण और आवेश स्थानांतरण के कारण जो है यौगिक में कलर होता है और जो जो यौगिक हैं वह रंगीन प्रतीत होते हैं। ठीक है, अब देर आर सम फैक्टर्स अफेक्टिंग द कलर्स। तो डीडी ट्रांजिशन के कारण और आवेश ट्रांसफर के कारण ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में कलर होता है। अब इसमें से जो आवेश स्थानांतरण है उसके द्वारा जो उत्पन्न रंग है वह तो सेंट्रल मेटल आयन पे जो उपस्थित चार्ज है उस पर डिपेंड करता है, जबकि डीडी ट्रांजिशन द्वारा जो उत्पन्न रंग है उसके क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करता है, यानी कि जो विभाजन हो रहा है डी ऑर्बिटल्स का उनका जो उनके बीच के जो एनर्जी डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द टू लेवल्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स दैट इज़ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, उस पर डिपेंड करेगा। और सी एफ ए सी का मान जो है वह स्प्लिटेड ऑर्बिटल के मध्य की ऊर्जा स्तर डेल्टा लिगेंड की प्रवृत्ति और सेंट्रल मेटल आयन की ऊपर उपस्थित उसकी जो प्लस चार्ज है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सो दैट विल बी टेकन इन डिटेल्स इन हायर क्लासेस। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कलर्स ऑफ दीज ट्रांजिशन मेटल आयन्स। विद दिस वी कंप्लीट दिस एंड the next properties will be taken in the next lecture. Thanks.